नमस्कार भाई लोग। तो आज हम बात करेंगे CFL के बारे में। CFL दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक ब्लास्ट के साथ और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट के साथ। तो जो मैग्नेटिक ब्लास्ट के साथ होता है वो लंबा ट्यूब होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट के साथ होता है वो घुमावदार होता है जनरली। तो जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है वो एकदम जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन जो मैग्नेटिक ब्लास्ट होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है शुरू होने में। तो आइए पहले हम मैग्नेटिक ब्लास्ट के बारे में जानते हैं कि वो आखिर काम कैसे करता है। तो मैग्नेटिक ब्लास्ट में एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। डिस्चार्ज ट्यूब में मरकरी के टुकड़े होते हैं कुछ, और उसमें आर्गन गैस भरा होता है, और ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, और इसके इसके जो साइड से है इसके साइड पर वाइट फ्लोरोसेंट का कोटिंग होता है। तो ये बेसिकली वर्क इस तरीके से करता है, जब हम इसको एसी सप्लाई करते हैं तो ये ब्लास्ट है, मैग्नेटिक ब्लास्ट है ये, इसके मतलब ये जो है इसका वोल्टेज बहुत मतलब बढ़ा देता है। तो इससे होता है ये कि ये फिलामेंट गर्म करता है, गर्म होने लगता है, और जब ये गर्म होने लगता है शुरू शुरू में स्टार्टर स्विच कनेक्टेड होता है उस समय, और ये ब्लास्ट एकदम ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो ये फिलामेंट गर्म होने लगता है। उसके बाद ये फिलामेंट जब गर्म होता है तो मरकरी का टुकड़ा एवोपरेट होने लगता है, और उसके बाद जो है जो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है, जैसे कि थंडर, जैसे कि आसमान में बिजली कड़कता है, एकदम तेज़ी से यहाँ करंट गुजरने लगता है, और ये एक अल्ट्रा वायलेट रेज जो है सो प्रोवाइड करता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है जब ये इस क्या कहते हैं कोटिंग पे, फ्लोरोसेंट कोटिंग पे जब टकराता है तो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाता है तो स्टार्टर स्विच अपने आप बंद हो जाता है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, और अगर मान लीजिए ट्यूबलाइट बंद है तो स्टार्टर स्विच का कनेक्शन ऑन होगा, और जब ये ऑन हो जाता है तो स्टार्टर स्विच का कनेक्शन ऑफ हो जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में ऐसा इस तरीके से काम नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में जो है सो जो CFL इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट बेस्ड होते हैं वो बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, और वो इस तरीके से काम नहीं करते। उसमें जो है हाई वोल्टेज के साथ साथ हाई फ्रिक्वेंसी भी दिया जाता है, जिसमें स्टार्टर स्विच की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और स्टार्टर स्विच की जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ CFL बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि क्या कहते हैं हाई वोल्टेज के साथ इसमें हाई फ्रिक्वेंसी भी डाला जाता है, ताकि ये जो है डायरेक्ट शुरू हो जाता है जल्दी से, और इसमें स्टार्टर स्विच की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रहती है। इसलिए हमारे जो घरों में CFL होते हैं उसको कभी उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज का करंट आता है, तो इससे आपके लिए जो है हानिकारक हो सकता है, और ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में उसमें तो हाई वोल्टेज के साथ साथ हाई फ्रिक्वेंसी भी रहता है, तो अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो जो है सो आपको झटका लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कैसा लगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।